हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। आज हम बात करेंगे जस्टिन बीबर के बारे में एंड कैसे पीडीडी ने शायद उसको एक्सप्लॉइट किया था। ये वीडियो जो है वो पीडीडी केस के कंटिन्यूएशन में है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है। तो जस्टिन जो है ना, उसने यंग एज में इंडस्ट्री में एंट्री ले लिया था एंड ही वॉज ट्रीटेड इन अप्रोप्रिएटली। अभी 2010 में जस्टिन बीबर का जो बेबी सॉन्ग था वो एक्सट्रीमली हिट किया, जिसके बाद अ लॉट ऑफ फेमस पीपल वॉन्टेड टू मीट हिम। म्यूजिक इंडस्ट्री में ना जनरली ये होता है, यंग फेमस टैलेंट को ना लोग अपने लेबल के अंडर साइन करने का ट्राई करते हैं या उनको मैनेज करने का ट्राई करते हैं, सो दैट लॉन्ग रन में ना उनको भी प्रॉफिट हो ऐसे आर्टिस्ट के करियर से। सो जस्टिन तभी ना 15 या 16 ईयर्स ओल्ड होगा एंड म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है वो उसको इतना नहीं पता था, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग एंड उसकी मॉम ने ना अकेले उसको रेस किया था। इवन उनका भी बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री का बिल्कुल नहीं है। एक वक्त तक ना शी वाज स्ट्रगलिंग आल्सो, स्टिल उन्होंने अपने बेटे के म्यूजिक करियर को सपोर्ट करने का पूरा ट्राई किया एंड उसी दौरान जस्टिन एंड अशर जो है ना उनकी मुलाकात हुई। अभी अशर न्यू अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस म्यूजिक इंडस्ट्री, तो उसने क्या किया कि जस्टिन बीबर को ना पीडीडी से मिलाया। पीडीडी जो है ना वो उस एरा में एक्सपोज नहीं हुआ था। अभी जाके चीजें सामने आ रही है कि कैसे वो अंडर एज लोगों को ग्रूम करता था, व्हाइट सब्सटेंस देके उनको बेहोश करता एंड उनके साथ जबरदस्ती होती, ये सब चीजों को फिर वो रिकॉर्ड भी करता सो दैट फुटेज का यूज करके वो उनको ब्लैकमेल कर पाए। पर 2010 में पीडीडी कितना प्रॉब्लमेटिक है ये लोगों को नहीं पता एंड कुछ लोग उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, और आर्टिस्ट जो थे ना वो पीडीडी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड रहते बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। तो सेम चीज जस्टिन बीबर के साथ हुआ। जब उसे पीडीडी से इंट्रोड्यूस कराया गया उसके बाद ना दोनों ने एक वीडियो भी बनाया जहाँ पे जस्टिन 48 आवर्स तक पीडीडी के घर में रहा। धीरे धीरे करके इवन वियर्ड पार्टीज जो पीडीडी थ्रो करता, जिसके बारे में कई लोगों ने ये बोला है कि उन पार्टीज में उनके साथ गलत हुआ है, वैसे पार्टीज में जस्टिन बीबर को भी इन्वॉल्व किया गया। इट इज अ थियोरी कि जस्टिन बीबर के साथ ये फेज में कुछ तो गलत हुआ एंड ये अब्यूज ने उसे अफेक्ट किया। वो जस्ट एक टीनेजर था एंड उसके अराउंड ऐसे लोग घूम रहे थे जो अपने 30s में थे या 40s में थे। इवेंचुअली ऐसे लोगों से सराउंडेड होने की वजह से उसको एडिक्शन प्रॉब्लम्स भी हुए एंड उससे बाहर निकलना उसके लिए इजी नहीं था। फिर 2020 में ना यमी करके एक सॉन्ग जस्टिन बीबर ने रिलीज किया। अभी जाके फिर से वो सॉन्ग के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ये बोला जा रहा है कि जो हिडन मैसेज था ये सॉन्ग के पीछे वो 2020 में लोगों को नहीं समझा, ये एक वाइब्रेंट सॉन्ग देखने मिला। बट अभी पीडीडी का केस सामने आने के बाद लोगों ने वापस इसका म्यूजिक वीडियो प्रॉपरली देखा एंड कुछ डिस्टर्बिंग चीजें ना नोटिस में आई। एक तो ये गाना जब स्टार्ट होता ना तब सेटअप में ये देखने मिल रहा है कि कई सारे रिच लोग ना खाना खाने बैठे हैं एंड मोस्टली ये लोग ओल्ड है, वेराज जो परफॉर्मर्स या एंटरटेनर्स है वो बच्चे हैं। एंड जैसे ही जस्टिन एंट्री लेता है टेबल पे बैठ जाता है वो परफॉर्मर्स पॉज लेते हैं एंड एक कंसर्न वे से जस्टिन की तरफ देखते हैं। दिस वॉज इंटरप्रेटेड एज इफ जस्टिन ने जब एंट्री लिया था ना तब ही वॉज नाइव एंड इनोसेंट, पर वो परफॉर्मर्स ऑलरेडी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके थे, देवर विक्टम्स, जिस वजह से वो एक पॉज उन्होंने लिया क्योंकि जस्टिन जैसे ही वो टेबल पे बैठा उन्हें समझ गया कि ये उनका अगला विक्टिम होगा। देन सॉन्ग के लिरिक्स पे भी ना लोगों ने प्रॉपरली ध्यान दिया। ये बोला गया दैट यमी वर्ड जो कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा था वो एक्चुअल में यंग मी साउंड कर रहा है एंड यमी वर्ड को अगर आप यंग मी से रिप्लेस करोगे ना तो लिरिक्स कुछ इस तरह होंगे, यू गॉट दैट यंग मी से द वर्ड ऑन माई वे, एनी नाइट एनी डे से द वर्ड ऑन माई वे, इन द मॉर्निंग और द लेट से द वर्ड ऑन माई वे, एवरी टाइम आई कम अराउंड यू गेट इट डन, 50-50 लव द वे यू स्प्लिट इट, रोलिंग आईज बैक इन माई हेड मेक्स माई टोज कर्ल, यू गॉट दैट यंग मी। एंड पूरे लिरिक्स में ना और भी ऐसे कई सेंटेंसेस देखने मिलेंगे जो डिस्टर्बिंग है एंड जितना वाइब्रेंट म्यूजिक वीडियो है ना उससे वो मैच नहीं कर रहा। जैसे ये वाला लाइन, लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, आई एम कॉम्प्रोमाइज्ड, यू आर इनक्रिमिनेटिंग, नो डिस्गाइज। दो गाने में ना डिलीशियस फूड दिखाया गया है, पर एक्चुअल में जस्टिन यहाँ पे कुछ और मैसेज पास ऑन करना चाहता था जो तभी में भी लोगों को नहीं समझा, क्योंकि जिस वे से लोग बाइट्स ले रहे हैं ना वो बहुत अजीब वे से दिखाया गया है। इट फेल्ट एज इफ ये सॉन्ग एक्चुअली असॉल्ट के बारे में एंड यंग मी ये वर्ड इसलिए लोगों ने रिलेट किया यमी के साथ बिकॉज एक सीन है जहाँ पे एक प्लेट दिखाया जाता है एंड उसके ऊपर रखा हुआ जब केक का पीस खत्म हो जाता ना तब जस्टिन के बचपन की फोटोज पे देखने मिलती है एंड नीचे लिखा रहता है यमी एंड दिस इज अ वेरी बिग साइन दैट यमी वर्ड खाने के लिए नहीं यूज किया जा रहा था बट लोगों के लिए यूज किया जा रहा था, किसी और सेंस में यूज किया जा रहा था। इवन ये सॉन्ग का जब शूट हो रहा था तब बार बार जस्टिन का ब्रेकडाउन हुआ, ही गॉट वेरी इमोशनल, इट वॉज हार्ड फॉर हिम एज इफ ये गाना उसको अफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ये सब देखने के बाद इट इज क्लियर कि एक हैप्पी सॉन्ग नहीं था, अदरवाइज जस्टिन इतना अफेक्ट क्यों होता इस गाने के शूटिंग के वक्त। इंस्टेड ये गाना डार्क चीजों के बारे में है बट उसे पोर्ट्रेट ग्लैमरस वे में किया गया था क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, ग्लैमरस चीजें दिखा के लोगों को डार्कनेस में खींचा जाता है, सेलिब्रिटीज से भरे पार्टीज में बुला के बिहाइंड द कर्टन्स लोगों के साथ गलत हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीडीडी एंड जस्टिन का नया क्लिप फिर से सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे डीडी जो है ना वो कुछ तो जस्टिन को बोलता है जिसके बाद जस्टिन अनकंफर्टेबल वे से एक्ट करता है एंड इवन हिज बॉडी लैंग्वेज चेंजेस। यहाँ पे ना डीडी थोड़ा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहा है।
फिर और एक पुराना क्लिप ना रीसरफेस हुआ जहाँ पे जस्टिन काफी यंग देखने मिल रहा है। एंड ऑलरेडी तब तक ना पीडीडी से उसका जान पहचान हो गया था एंड उस फेज में वो डीडी से मिलना अवॉइड कर रहा था। तो ये कॉन्वर्सेशन में ना डीडी क्लियरली जस्टिन को पूछते हुए दिखाई दे रहा है कि अभी तुम चेंज हो गए हो, पहले जैसे मेरे साथ हैंग आउट नहीं करते। Different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. This is actually very weird. Grown up आदमी को क्या जरूरत है young लड़के के साथ hang out करने की जो उसे 24 years छोटा है। And Justin यहाँ पे ना hesitate करते हुए जवाब देते हुए दिखाई दिया। Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. Then और भी कई clips over the years देखने मिले हैं जहाँ पे लोग Justin को अजीब way से touch कर रहे हैं। चाहे वो हग करते हुए उसके बम पे हाथ लगाना हो या अवार्ड शो के दौरान उसको फोर्सफुली किस करना हो, लोग उस पे पाउंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पर्सनल स्पेस को ना बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। I feel violated right now. वो इस तरह नेक पे किस कर रही थी एंड वो भाग रहा था, फिर भी लोगों को ये फनी लगा। वो फीमेल का तभी एज ना कुछ 40 इयर्स का होगा एंड जस्टिन सिर्फ 18 इयर्स का था। How have you been enjoying the night so far? Great. I just got to neck Justin Bieber and grab his butt. दूसरे भी कई सारे क्लिप्स हैं जहाँ पे जस्टिन को ना एज अ गेस्ट बुलाया जाता था टॉक शो में एंड वहाँ पे जो होस्ट होते थे वो इनमें सेंशुअल सवाल ना जस्टिन से पूछते। एक लेडी थी जो जस्टिन से काफी बड़ी थी एंड इंटरव्यू ले रही थी एंड उसने जस्टिन को बोला कि तुम इमेजिन करो कि तुम बिना कपड़ों के हो, तुमने कुछ नहीं पहना है। एंड ये सवाल सुन के जस्टिन अनकंफर्टेबल हुआ एंड उसने ये रिप्लाई भी दिया कि ये सही नहीं होगा बिकॉज उसके कई फैंस ना काफी यंग है। उसको ऑब्जेक्टिफाई करते, उसको चिपकने का ट्राई करते एंड वो कॉन्स्टेंटली ये सब के दौरान ना बोलता रहता, पीछे हटने का ट्राई करता, स्टिल फोर्सफुली ये सब उसके साथ हो रहा रहता। ये सब नो डाउट मेस्ड अप है एंड सैड चीज ये है कि ये सेलिब्रिटीज को कभी अपनी गलती रियलाइज ही नहीं हुई। ग्रोन अप्स बिहेविंग लाइक दिस इज वेरी स्कैरी एंड इवन सीनियर लोग जो कई सालों से ये इंडस्ट्री में हैं, दे ऑल्सो बुलीड जस्टिन बीबर। एक टॉक शो था जिसपे जस्टिन को बुलाया गया था एंड होस्ट का नाम डेविड लेटरमैन है। उस पर्सन ने लेजिट बुली किया था जस्टिन को। उस दौरान जस्टिन ने कोई एक नया टैटू बनाया था एंड उसका जो इंक है ना वो डेविड जबरदस्ती हटाने का ट्राई कर रहे थे। You just see that clip. Hey, my album came out. It was an important right. day for me. So, you know, I got believed. Get that off hey, there. Hey, this is a prank. Why would you manhandle him like that? And Usher, जिसने बहुत साल पहले जस्टिन को PDD से मिलाया था ना, उसको DD के काफी डार्क सीक्रेट्स पता है। जिस वजह से एक इंटरव्यू के दौरान जब उसको पूछा गया कि क्या अपने बच्चों को वो कभी डीडी के पास भेजेगा, तब उसने क्लियरली आंसर दिया कि बिल्कुल भी नहीं। दिस शोज कि डीडी के अराउंड ना लोग सेफ नहीं है एंड कई सेलेब्स उसके विक्टिम्स रह चुके हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि डीडी एंड जस्टिन बीबर का जो भी इंटरेक्शन देखने मिला इस पे आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।